भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि भाजपा का प्रशिक्षण पार्टी का एक हिस्सा है। कभी भी कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर चिंता नहीं करता है, लेकिन भाजपा पार्टी के गठन प्रशिक्षकों की व्यवस्था प्रदेश व केंद्र स्तर पर होता है और प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा विभिन्न मोर्चों का प्रशिक्षण भी समय समय पर होता है, जिसको देखते हुए 3 दिवसीय अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में राजनीतिक विषय, सरकार की उपलब्धि, पार्टी के समय विस्तार पर भी कार्यक्रम चलता है जिस पर चर्चा होती है। इसमें एक विषय पर काफी देर तक चर्चा की जाती है और कार्यकर्ताओं का सुझाव भी लिया जाता है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, स्नेह नीर मातृभूमि का स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, जनता पार्टी प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम यह हमेशा से हमारा ये पार्टी का एक हिस्सा है। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी ज़्यादा चिंता करते नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी के गठन के साथ साथ पूरे नीचे तक प्रशिक्षणों की व्यवस्था
प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पे भी होता है, प्रदेश और प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र है, तो क्षेत्रीय स्तर पे भी प्रशिक्षण और साथ साथ जितने हमारे जो मोर्चा है उन मोर्चों का भी बहुत बार संयुक्त रूप से होता है। परंतु जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में मोर्चों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, और आज इसी दृष्टि से जनजाति मोर्चे का प्रशिक्षण 3 दिन का है। आज अभी प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा और परसों 3रे दिन इसका समापन होगा। इसमें सारे राजनीतिक विषय भी होते हैं, संगठनात्मक विषय भी होते हैं, कुछ सरकार की उपलब्धियों पे भी चर्चा होती है, पार्टी के इस समय विस्तार का कार्यक्रम चलता है तो उस पर भी चर्चा, अलग अलग विषयों में अलग अलग जो विषय लेने वाले हमारे जो प्रवर्तक रहते हैं वो इस पर चर्चा करते हैं। और जैसे 40-45 मिनट का एक पूरा विषय रहता है उस पर डिस्कशन भी होते हैं, और कुछ सत्र ऐसे भी होते हैं जहां ओपन डिस्कशन भी होते हैं, उन पे कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनको नोट करना और उसमें से और कोई अच्छा हो सकता है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय इस पे चर्चा होती है। मंत्री जी, आपके पास इस्पात और ग्राम विकास जैसा मंत्रालय है, क्या लगता है कि देश को अभी भी इस्पात के आयात की जरूरत पड़ रही है या उत्पादन किस तरह का है, महंगाई का कितना असर इस्पात में भी देखते हैं? देखिए, GDP में बहुत बड़ा योगदान इस्पात क्षेत्र का है। आज ये नीचे गांव तक, घर तक अगर भी हम कहें तो इस्पात का बहुत बड़ा हमारे पास है। जितना जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम कोशिश करते हैं पूरा करने का, और ख़ास तौर से जो हमारा मंत्रालय है स्टील का क्षेत्र है, तो उसमें जितना हमारे पास से जो क्षमता है, प्रोडक्शन है, हमने 100% उत्पादन कर रहे हैं, और उसमें से अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इम्पोर्ट भी हमको करना पड़ता है, परंतु कम मात्रा में करना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स लोहे को, इस्पात को, स्टील को बनाने के लिए लाइमस्टोन की भी ज़रूरत पड़ती है, आयरन ओर की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर कुकिंग कोल की, ऐसे सभी प्रकार के अलग अलग टर्म्स की उनकी आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे सब मिला करके फिर लोहे का निर्माण होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जैसे आवश्यकता है जिन प्लांटों में, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज माइनिंग के क्षेत्र में विशेषकर हमारे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, ये हमारे 3 ऐसे बड़े मेजर स्टेट हैं जहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलता है। बाकी कुछ और अन्य स्टेट हैं जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, किसी स्टेट में लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह आयरन ओर है, परंतु उसका जो ग्रेड लो है, अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। परंतु बहुत तेज ज़रूरत इस बात की है कि आज रेलवे आप देख रहे हैं, रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है, रेलवे की पटरी है, बाकी चीज़ों का है, वो 100% आज की तारीख में हम जो उनकी ज़रूरत है उस आधार पर रेलवे का काम भी इस्पात मंत्रालय करता है। और उसके लिए अभी तक देश में इसका और भी विस्तार कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश में भी जो बरेली में हमारा उसके जो पात के साथ रिंग बनाने का, उसके व्हील बनाने का काम अभी शुरू होने का, उस पर ट्रायल चल रही है, और मुझे लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम उसको अभी उसके रेगुलर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए, अपने अलग अलग स्तरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कुछ राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है इस प्रकार का, तो मुझे लगता है कि वो अपने राज्य सरकार ने निर्णय किया होगा। मुझे एकदम इसके बारे में आज की तारीख में मुझे ध्यान में नहीं है क्या सरकार ने निर्णय किया, परंतु सामान्य तौर से हम लोग इन परिस्थितियों में जहाँ भी होगा राष्ट्रीय गान या प्रारंभ में या राष्ट्रीय गीत उसके आरंभ में इस प्रकार का रहता है, तो वहाँ की जिस प्रकार की परंपरा हो ऐसा सामान्य तौर से स्थिति रहती है। कि पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि एक समय ऐसा था कि एक हम बस्तर से हमारे सांसद जीतते थे और एक झारखंड से कड़िया मुंडा जी, और मैं 96 से केंद्र में काम करना प्रारंभ किया। वैसे भी मैं 80 से काम कर रहा हूं, परंतु केंद्र में 96 से हमने काम प्रारंभ किया, और
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अटल जी की सरकार भी बनी, उस समय भी ट्राइबल मोर्चा, जनजाति मोर्चा आदिवासियों की बहुत भूमिका रही और ये निरंतर आप देखेंगे इसके कारण, इस मोर्चे के कारण बहुत बड़ी संख्या में इजाफा हुआ। हम तो 35-35, 36-36 सीट हम लोकसभा सीट जीत करके आए, पहले हम 2 जीतते थे, हमारा पुराना रिकॉर्ड अगर देखेंगे। और निरंतर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास जनजातीय समाज के चाहे विधायकों की संख्या हो और चाहे लोकसभा में हो सांसदों का हो, वो संख्या आज भी बरकरार है। हमने निरंतर इस क्षेत्र में काम किया है। जैसे आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा, हमने पिछले 2002 के बाद देखिए, 8 में भी देखिए, 13 में भी देखिए, ये जरूर है कि 18 में हमको नुकसान इस क्षेत्र में हुआ, परंतु ठीक उसके 6 महीने बाद लोकसभा हुए, लोकसभा में हमने 100% सीटें हमने ट्राइबल के जीते। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है राज्य के अंदर, वहाँ की विधानसभाओं के अंदर क्या परिस्थितियाँ हैं उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करता है, परंतु ओवरऑल आज देश में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल को एक प्रकार का बहुत फोकस और सम्मान दिया है। राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद में द्रौपदी मुर्मू का भी निर्वाचन होना, राष्ट्रपति बनना ही अपने आप में एक बड़ा विषय है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ट्राइबल आज मूलतः भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कुछ परिस्थितियों के कारण, वहां के लोकल स्थिति के कारण थोड़े बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हम उसको ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में उसको और अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम आने वाले भविष्य में करेंगे। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए लोकसभा के दृष्टि से पूरे देश भर में जो परिदृश्य मैंने बताया कि इसके पहले कांग्रेस के समय में भी उनकी क्या स्थिति होती थी, वो मोटे तौर से कांग्रेस के साथ में रहते थे, पर 96 के बाद आप देखिए, मुझे याद है जब नेता प्रतिपक्ष अटल जी हुआ करते थे तो मैंने उस समय इसी मोर्चे के प्लेटफार्म में कहा था कि अटल जी आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप जरूर इस देश भर के ट्राइबल की चिंता कीजिए। उनने प्रधानमंत्री बनते से ही जनजातीय ये जो मंत्रालय बनाया है ये अटल जी की देन है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए उनने एक डोनर मिनिस्ट्री बनाया, तीसरा उनने जो फॉरेस्ट राइट्स की बात हमने किया उसके अधिकार पत्रों की बात हुई, फॉरेस्ट कानून बना, ये चीज़ें प्राथमिक तौर से उनने प्रारंभ किया। आज धीरे धीरे देश भर में कमीशन भी ट्राइबल का बन गया और इस क्षेत्र में काम भी होना शुरू हो गया, फाइनेंस कॉरपोरेशन बन गया, और आज बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ट्राइबल कमीशन नहीं बन पाए इतने समय के बाद, परंतु देश में अटल जी ने सब योजनाओं को प्रारंभ किया और इसी तर्ज में आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी है तो इस दिशा में बहुत अच्छा एक प्रकार का ट्राइबल का सम्मान, उनका परफॉर्मेंस, ट्राइबल के लिए विकास की योजनाएँ, बच्चों के शिक्षा के लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय भी हमने प्रारंभ उस समय किया 2000 में, और आज बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, परंतु मोदी जी के आने के बाद 2014 से फिर हमने इसको और पूरे विकासखंड जितने हैं डोमिनेटेड भी और जो ब्लॉक हैं हमारे ट्राइबल में 740 के आसपास से पूरे देश भर में हम एकलव्य आदर्श विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उसमें भी CBSE। तो इस प्रकार के बड़े विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज धीरे धीरे हम इसको पूरा करते हुए भी आगे जा रहे हैं। हमारे तरफ से तो हमने जो भी संभव हुआ, नीतीश जी जदयू को जो भी सम्मान दे सकती थी पार्टी ने दिया। अब जो भी परिस्थितियां वहां की हैं, बिहार की क्या परिस्थितियां हैं, नीतीश जी क्यों गए क्या गए, इस पर बहुत चर्चा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आने वाला भविष्य इस बात का तय करेगा। हमने उसको कम संख्या होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारे अध्यक्ष जी ने अनाउंस इस चुनाव पूर्व उन्होंने कहा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ही होंगे, हमने बनाया, परंतु दुर्भाग्य से ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में नीतीश जी अपने आप छोड़ करके गए हैं, तो उसका परिणाम जो भी होगा आगे देखेंगे। और हम तो पार्टी के लिए, हमारी तैयारी है, पार्टी अपने दमखम के साथ में लड़ेगी और जो स्थिति आज है हम सरकार भी बनाएंगे बिहार के अंदर, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे बिहार में तो उस समय देखेंगे क्या परिस्थितियां बनती हैं। परंतु मैं कह सकता हूं मेरे पास 3 लोकसभा हैं बिहार के, मैं अभी होकर के आया हूं और अभी 2-3 दिन बाद फिर जाने वाला हूं,
ऐसे अलग अलग लोकसभाओं के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें से अनुभव आया हमारे कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी हो रहा है और बूथों को भी हम नीचे देख रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देख रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्रों के अंदर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जैसे वहाँ 6 असेंबली सीट्स हैं तो मेरे पास 6 दिन 18 सीटें मेरे अभी पास हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, हम कोई भी सरकार हो, सरकार को शुभकामना देता है प्रधानमंत्री जी, सभी सरकारों से भी अपेक्षा करती है कि देश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव कल बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया है। यही आनंद और उत्साह का अवसर है। हमने सारे देश के अंदर जितने राज्य सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करते हैं कि देश की जनता के बारे में, 130 करोड़ लोगों के बारे में चिंता करें, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर के आगे बढ़ें। ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है और आने वाला जो भविष्य हमारा 25 वर्षों का है उसके लिए एक बड़े कार्य योजना के साथ में हम देश को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, इस प्रकार की कल्पना के साथ। देखिए, अब ये तो पार्टी तय करेगी, क्या करेगी नहीं करेगी ये पार्टी तय करेगी, सोचेंगे उसके बारे में जब समय आएगा। परिस्थितियों के आधार पर राजनीति में बहुत सारे निर्णय होते हैं,